सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो जो पक्ष उसमें हैं सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे, उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है, और किस कारण हुई है, प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहाँ पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई, केवल बहराइच में नहीं, इसी तरह सदियों पुराना, कई सौ वर्ष पुराना मेला लगता है बनारस रामनगर में, पर्याप्त पुलिस न होने की वजह से, पर्याप्त बैरिकेडिंग न होने की वजह से, पर्याप्त सुरक्षा के इंतज़ाम न करने की वजह से बहुत से लोगों को अपमानित होना पड़ा और लाठी चली, बहुत से लोगों को चोट आई है। इधर आप उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी कर रहे हैं। लखीमपुर में किसने नहीं देखा कि विधायक के झापड़ मारा गया, और फिर क्या कार्रवाई हुई, सतीश महाना से मिलने आए थे सब। क्या कार्रवाई हुई सोचिए आप। अगर वो FIR लिखाना चाहते हैं तो FIR नहीं दर्ज होगी क्या? एडमिनिस्ट्रेशन को 100 मोटो लेकर के नई FIR दर्ज करनी चाहिए थी। प्रशासन को खुद लॉ एंड ऑर्डर के वो बेहतर बनाने के लिए लोगों की नज़र में ये जाए संदेश कि हाँ प्रशासन काम करता है, एक्ट करता है। और वहाँ के जिलाधिकारी कोई पहली बार थोड़ी ये देख रहे हैं तमाशा, इससे पहले भी उन्होंने तमाशा देखा जब पर्चे छीने गए, उससे पहले भी समाजवादियों पे इन्होंने लाठी चलाई, समाजवादियों को अपमानित किया, समाजवादी पार्टी को अलग तरीके से नज़र से देखते हैं। तो क्या वहाँ के जिलाधिकारी तमाशा नहीं देख रहे थे? अब तो उन्हीं के विधायक को तमाशा पड़ गया, अब तो और देखें तमाशा। और बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसके जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है, और इनकी वोट की राजनीति है जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। कभी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवा देना, कभी TV चैनलों पे झगड़ा करा देना, ये इनकी सोची समझी चाल है। मैं जनता से अपील करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए, ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं।